अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आइए केमिस्ट्री एकेडमी में आप सबको वेलकम। फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे ये हमारे प्रीवियस लेक्चर की कंटिन्यूएशन है, दैट इज लीशैटेलियर प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशंस। फ्रेंड्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हम इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम को डिस्कस कर चुके हैं। उन वीडियोज के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से उन्हें वॉच कर सकते हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम पोजिशन। फ्रेंड्स, वन बाय वन आइए इनको स्टडी करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम लिख लेते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर और इसको स्टडी करते हैं। तो व्यूअर्स, अगर इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर देखें, उसके लिए हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें हम कार्बन मोनोऑक्साइड को डिजोल्व करवाते हैं वाटर के अंदर, और जो रिवर्सिबल हमारे पास रिएक्शन होगा वो ये होगा कि बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2। फ्रेंड्स, इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एच की वैल्यू है दैट इज -41.84 किलो जाउल पर मोल। तो अभी बस ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अभी बस देखा यह गया है कि जैसे हमने ली-शैटेलियर प्रिंसिपल में पढ़ा था कि जब भी आप किसी भी सिस्टम में कोई चेंज लाते हैं तो जो सिस्टम है वो उस चेंज के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए कोशिश करता है। तो यहां पे भी हम देखेंगे कि किस तरह से हम अगर किसी भी रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर चेंज करें तो उसमें भी क्या चेंजिंग आती है ताकि वो दोबारा से इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव कर सके। व्यूअर्स, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और इस सिस्टम में आप देख रहे हैं कि हीट ऑलरेडी रिलीज हो रही है। अब अगर हम ऐसा करें कि इस सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज कर दें तो होगा क्या कि रिएक्शन ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा ताकि जो लॉस ऑफ हीट है उसको कंपनसेट किया जा सके। तो व्यूअर्स, इसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस डिक्रीज इन टेम्परेचर शिफ्ट्स रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर शिफ्ट्स रिएक्शन टू रिवर्स डायरेक्शन। अब व्यूअर्स, एक और एग्जांपल से हम इसको देखते हैं कि फर्ज करें हम N2 और O2 को रिएक्ट करवाते हैं और बनाते हैं 2NO, और इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एच है डेट इज +90.25 किलो जॉल पर मोल। व्यूअर्स, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इस केस में अगर हम डिक्रीज इन टेम्परेचर करते हैं तो हम ये देखेंगे कि जो रिएक्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन में होगा ताकि जो लॉस ऑफ हीट है उसको कंपनसेट किया जा सके। तो अगर हम जनरलाइजेशंस बनाना चाहें फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस ऊपर वाले की तरह, तो हम लिख सकते हैं व्हेयर्स फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेसेस जो जनरलाइजेशंस है, हम ये कह सकते हैं कि डिक्रीज इन टेम्परेचर shifts the reaction in reverse direction and increase in temperature shifts reaction forward. Next viewers, अब इसी की एक further application हम देखते हैं और वो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं के इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलबिलिटी। तो व्यूअर्स, इसकी जनरलाइजेशंस बनानी है तो हम लिख सकते हैं कि सब्सटेंसेस
whose heat of solution is positive, become more soluble on heating. और example में हम इसके देख सकते हैं potassium iodide और like KNO3 etc. Second हम viewers कह सकते हैं कि substances whose heat of solution is negative become less soluble on heating. और इसके example में viewers हम कह सकते हैं salts like sodium sulfate. Third case viewers हम कह सकते हैं substances for which delta HS or heat of solution is near to zero, their solubility is not affected by temperature. Example salts like NaCl. तो ये reverse हो गया effect of change in temperature according to Le-Chatelier's principle. और next जो अब हमने पढ़ना है वो है effect of catalyst on equilibrium position. तो viewers यहां हम heading दे लेते हैं तो फिर सबसे पहले हम देख लेते हैं कैटलिस्ट क्या होता है. हम कहते हैं कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट स्पीड्स अप अ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग यूज्ड. इसके बाद व्यूअर्स हम ये कह सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट देखना हो तो हम कहते हैं कि इट डज नॉट चेंज और शिफ्ट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. It only speeds up forward and reverse reactions so that equilibrium is achieved फास्टर. और व्यूअर्स ये कैसे करते हैं उसके लिए हम ये लिख सकते हैं दे डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी बाय प्रोवाइडिंग alternate pathway. तो व्यूअर्स आज के लेक्चर में हमने एप्लीकेशंस ऑफ Le-Chatelier's प्रिंसिपल में इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर और कैटलिस्ट को देखा. आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा. फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है कंफ्यूजन हो तो आप हमें ऑनलाइन कमेंट्स में पूछ सकते हैं. आप हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा वॉच लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल आईए केमिस्ट्री अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह ही नए नए लेक्चर्स और वीडियोस के साथ आपके सामने हाजिर होते रहें. अल्लाह हाफिज़.